हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड 12th पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन एंड आवर टॉपिक इज एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। अंडरलाइन कीजिए, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। देखिए दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन एज इट इज लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर होगा d बाय डी एक्स, ये वाला y, d बाय डी एक्स, ब्रैकेट में लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स को। ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। अब हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, क्या है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट टर्म एज इट इज लेना है, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस का साइन, सेकंड टर्म एज इट इज इंटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, और जिसको d बाय डी एक्स यूज हुआ है उसी का ही हमें डेरिवेटिव लेना है। रिमेनिंग एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। बताइए यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा e टू द पावर x, तो कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। तो हमारा आंसर हुआ x इंटू ई टू द पावर x एक्स प्लस 2। ये वैल्यू है हमारा dy बाय dx का, लेकिन हमें तो फाइंड करना है इनवर्स, द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। जो क्वेश्चन में हमें सेंटेंस गिवन है हम वही लेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज गिवन बाय dx बाय dy। मीन्स यहाँ देखिए dy बाय dx है, इसका उल्टा क्या होगा, dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। जो dy बाय dx है उसका इनवर्स करो, 1 अपॉन x इंटू ई टू द पावर x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 2। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन एज इट इज लिया, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए क्या होगा, डी बाय डी एक्स वाई, डी बाय डी एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स। दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव है हमारा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1। यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन सामने आ गया, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम पॉजिटिव पहले लेंगे, पॉजिटिव है नंबर हमारा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये वैल्यू है हमारी डी वाई बाय डी एक्स की। अब हम फाइंड करेंगे इनवर्स, द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स,
वन अपॉन जो हमारा आंसर है उसका हम इन्वर्स लेंगे, जो dy बाय dx का वैल्यू है उसका हम इन्वर्स लेंगे, वन अपॉन cos x माइनस x sin x, ये वैल्यू है हमारी dx बाय dy की। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ये स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए हमें गिवन है y इज इक्वल टू x इंटू 7 टू द पावर x। सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन एज इट इज लिया, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो होगा d बाय डी एक्स वाई, d बाय डी एक्स ब्रैकेट में x इंटू 7 टू द पावर x। ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। यहाँ हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल है हमारा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। x एज इट इज 7 टू द पावर x का डेरिवेटिव है 7 टू द पावर x इंटू log 7 प्लस 7 टू द पावर x, x का डेरिवेटिव 1, x इंटू 7 टू द पावर x इंटू log 7 प्लस 7 टू द पावर x। 7 टू द पावर x हमारा कॉमन हुआ तो ब्रैकेट में आ जाएगा x log 7 प्लस 1। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब इन्वर्स का सेंटेंस लेना है हमें, द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज गिवन बाय dx बाय dy। dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 7 टू द पावर x इंटू ब्रैकेट में x log 7 प्लस 1। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए हमें गिवन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log x। सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन एज इट इज लिया, अब हम इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो हमारा आंसर होगा d बाय डी एक्स वाई, डी बाय डी एक्स। यहाँ देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ब्रैकेट में x स्क्वायर है प्लस log x है। तो एक बार डेरिवेटिव x स्क्वायर को यूज होगा, दूसरे बार डेरिवेटिव log x को यूज होगा। तो हमने लिया d बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स log x। तो बताइए x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। तो हमारा आंसर हो जाएगा dy बाय dx का 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ये द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज गिवन बाय dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ये जो x है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये 1 से x का इंटू होगा तो x हो जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स। ये वैल्यू है हमारी dx बाय dy की। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।